कैसे हम मार्केटिंग करें ताकि हम भी अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाए, उसके कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। पांचवा है, बी योर ऑन ब्रांड एम्बेसडर। कई बार क्या होता पता है, अधिकतर छोटे बिजनेसमैन ना इसीलिए भी मार्केटिंग नहीं करते हैं कि उनको लगता है यार शाहरुख खान को बहुत पैसा देना पड़ेगा अगर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो। अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर ऋतिक रोशन से करनी है तो उसको बहुत पैसा देना पड़ेगा। अपने ब्रांड की मार्केटिंग अगर अजय देवगन से करवानी है, अमिताभ बच्चन से करवाएं तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल गलत तरीका। आपके ब्रांड एम्बेसडर आप खुद क्यों नहीं बनते हो? आप में से कितने लोगों ने MDH की एड देखी है? आज तक कोई सुपरस्टार नहीं आया, उन्होंने लिया ही नहीं, वो खुद करते हैं और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खुद मार्केटिंग करके की, किसी को पैसे एक रुपया नहीं दिए। तो आप अपनी मार्केटिंग खुद करो ना। अपने यहां पर राहुल राज के पीछे राजो इंडिया है, देखा आप में से किसी ने? राजो इंडिया करके बहुत बड़ी ब्रांड है, उनका खुद का बेटा खुद मॉडल अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट की मॉडलिंग खुद करता है, अपने कपड़े खुद पहन के। बाहर जो बैनर लगा हुआ किसी मॉडल का नहीं, उसके ऑनर के लड़के का है, जिसको मैं खुद मिला हूं। हम अपनी ब्रांड एम्बेसडर खुद क्यों नहीं बनते? हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई और करेगा? खास ध्यान रखना, मार्केटिंग बिजनेस के अंदर दो चीज आपको हमेशा ना छोड़नी पड़ेगी, एक है शर्म, दूसरा डर, लोग क्या कहेंगे, ये सोचने का डर। और मुझे शर्म आ रही है, मैं अपने बारे में कैसे कुछ बोलूं? आप अपने बारे में नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? आपको शर्म और डर छोड़नी पड़ेगी, खुद शुरू करो। बीच में आप लोगों ने एक एड देखी होगी ट्रैवलिंग का, क्या नाम था उसका, ट्रिवागो, देखा था? एक लड़का आता था, आपको पता है वो जो लड़का था वो उस कंपनी का एम्प्लॉय था, ट्रिवागो कंपनी का वो एक सेल्समैन या वो मार्केटिंग का बंदा था, वो खुद अपने प्रोडक्ट अपने कंपनी की मार्केटिंग करके इतनी बड़ी ब्रांड उसने बना दी थी। और आज सबसे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको खुद को होगी, तो आप खुद नहीं बोलोगे अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो दूसरे आपके बारे में बोलेंगे तो कितना लोग भरोसा करेंगे? तो मैं खुद क्यों ना शुरू करूं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, मैं खुद क्यों ना एड शूट करूं, मैं खुद क्यों ना सोशल मीडिया पर जा। आज तो मानो कितने सारे लोग, अपने कितने कस्टमर को हमने खुद की मार्केटिंग करना शुरू करवाया। एक अपने कस्टमर है, वो गैरेज चलाते हैं, बढ़िया गैरेज उनका और काफी समय से है। तो उन्होंने बोला सर पुराने कस्टमर तो आ रहे हैं, नए कस्टमर नहीं आ रहे, क्या करें? मैंने बोला सर आपके पास सोशल मीडिया है? बोले हाँ। फेसबुक पे अकाउंट है? बोले हाँ। बस एक काम करो सर कि एक ऐड बनाओ कि मैं इस दिन पे सोशल मीडिया पे लाइव आने वाला। बोले सर देखेगा कौन? अरे जो भी देखा, एक बंदे ने भी देखा तो दिक्कत क्या है? बोले सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करो। शुरू तो करो, आपको करना क्या, सोशल मीडिया रखना है सामने, आपको लाइव चालू करना है और बातें करनी है। आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो तो ये करो, ये दिक्कत हो तो ये करो, ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्यूशन है, आप बातें करो। आप मानोगे नहीं, 3 से 4 बार उन्होंने लाइव किया, उनको जो रिस्पांस मिला ना, बोले सर मैं सोच रहा था कि मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में मैंने जितना पैसा कमा लिया ना, इतना मैं ऐड देकर भी नहीं कमाता। कई सारे लोगों के पास बहुत सारा डेटा होता है कस्टमर का, हजारों डेटा होता है, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ नहीं करते। आपको सेल्स बढ़ाना है, फोन उठाओ, शुरू करो। सर हमने नई नई डिजाइन लॉन्च किए, एक बार विजिट करने आइए। सर हमने नया कलेक्शन लाया है, आप एक बार विजिट करने आइए। सर हम नई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, विजिट करने आइए। सर हम बहुत सारे चीजें हमने नया किया है, एक बार विजिट करने आइए। सर बहुत दिन से आप हमारे वहां आए नहीं हैं, विजिट करने आइए। शुरू करो, मार्केटिंग का यही तरीका है। आप ये सोचोगे कि कोई आपके लिए आएगा और आपकी कंपनी को बड़ा करके देगा तो कोई नहीं आएगा, जब तक आप खुद शुरुआत नहीं करोगे तब तक। तो सबसे पहले आपको खुद को शुरुआत करना पड़ेगा, स्टार्ट बाय योरसेल्फ। और दो चीज छोड़ दो,
शर्म और डर। किसी ने बहुत अच्छी पुरानी कहावत की है, कही है, जो करे शर्म उसके फूटे करम। बहुत सारे लोग है ना शर्म और डर के कारण बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें उनसे छूट जाती है शर्म और डर के कारण। इसको निकालना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक एक्सट्रीम सक्सेस चाहिए ना, आपको लाइफ में कुछ करना है ना बॉस, तो छोड़ना पड़ेगा ये शर्म, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप जिनकी परवाह करते हो ना लोग, आप बताओ, लिखो अपनी डायरी के अंदर कौन से चार लोग हैं जो आपको कुछ बोलेंगे और वो क्या अच्छा कर रहे हैं। जिनको लेके आप सोच रहे हो वो कौन से बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, इनके बारे लोग क्या कहें। अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे भाई, लोग कुछ नहीं कहेंगे। और लोगों के कारण थोड़ी आपका घर चल रहा है। कोई आपके घर पे आता है कि भाई इस महीने आपकी, चलो आपकी प्रॉब्लम आ गई घर के अंदर, तो चलो मैं 5,000 में दे देता हूं, ऐसा हुआ कभी? तो हम किसकी परवाह करते हैं, हम तो धंधा लेके बैठे, हम तो बिजनेस लेके बैठे। शुरू करो ये सोचे बिना लोग क्या कहेंगे। तो अपनी ब्रांड के खुद ब्रांड एम्बेसडर बनो, शुरुआत खुद से करो।